गल करते हैं कैनेडा वालों दिते जा रहे वीजे की। तुसी वेख रहे हो पंजाब मेल USA TV। कैनेडा ने स्टडी टूरिस्ट ते स्पाउस वीजे की कैटेगरी का वीज़ा देने की रफ्तार तेज़ कर दिती है। कुछ समय दौरान कैनेडा का स्टडी वीज़ा 3 से 4 महीनों बाद भी आया, जिस कारण बहुत सारे बच्चों का पढ़ाई में गैप पै गया ते बहुत की आईलैट्स की वैलिडिटी खत्म हो गई है। कोविड दौरान रिजल्ट बहुत समा लगा ते जो रिजल्ट आए तो बहुत सारे बच्चों की रिफ्यूजल आई। इस दौरान चंगे ते होनहार विद्यार्थियों भी रिफ्यूजल का सामना करना पड़ा, जिस कारण हुण कैनेडा विच नवी बनी सरकार ने इमीग्रेशन डिपार्टमेंट वल खास ध्यान दिता है। $500 मिलियन इमीग्रेशन डिपार्टमेंट से खर्च किया गया है। इस विच होर ज़्यादा तेजी लियाउण लई नवे वर्करस नू नौकरियां दित्तियां गईयां ने, तां जो पिछले साल के जमा हुए केसां दा रिजल्ट जल्दी कढ़िया जाए। इस दे नाल ही कैनेडा दे स्पाउस केस दर जल्द आने शुरू हो गए हैं। जिहड़े विद्यार्थी का कैनेडा का वीज़ा रिफ्यूज़ हो चुका है उन्हां कोल अपना केस दोबारा अप्लाई करन दा मौका है। हुण नवे लगे केसां दा रिजल्ट बहुत ही जल्द आ रहा है ते नतीजा शानदार आ रहा है। इस दे नाल ही जिहड़े विद्यार्थी 2020-2021 पास हैं, ओवरऑल 6 और 5 बैंड हैं, वो ऑस्ट्रेलिया के अगले टेक लिए भी अप्लाई करन। हुण तां ऑस्ट्रेलिया ने भी बहुत ही वधिया नतीजे दिते ने। इस दे नाल विद्यार्थियों नूं ऑस्ट्रेलिया जाके 20 घंटे की जगह 40 घंटे काम करन दा मौका मिलता है। ग्रैजुएट विद्यार्थी अपने स्पाउस नूं भी नाल लैके जा सकते हैं।